जय श्री कृष्णा। आदर्श शिक्षण संस्थान के YouTube चैनल पर आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम कक्षा 10वीं का पहला पाठ पढ़ रहे हैं, राशन अभिक्रिया एवं समीकरण। हमने अपने पूर्व के वीडियो में पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हमने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना, अपचयन उपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। आज जो हम पढ़ेंगे वो दूसरे प्रकार की अभिक्रिया, क्योंकि पहले जो वीडियो पढ़ा था अपने वो पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया, और संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा और संयोजन अभिक्रिया की कुछ उदाहरण पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे दूसरे प्रकार की अभिक्रिया, लेकिन उससे पहले हम आपको पूछते हैं कि संयोजन अभिक्रिया को और किस नाम से पुकारते हैं। आपको पता होना चाहिए कि संयोजन अभिक्रिया को हम संयुग्मन अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया और योगात्मक अभिक्रिया के रूप में जानते हैं। तो उसी के अंदर संयोजन जो अभिक्रिया है उसके अंदर ही दो और प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, पहले हम उनको पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संयोजन अभिक्रिया के अंदर ही है ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। क्या है? ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। अभिक्रिया का नाम क्या है? ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। और ये किसके अंतर्गत आती है? संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। तो पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके एग्जाम्पल लेंगे। देखो परिभाषा क्या है, अपने वो एक ही प्रकार के मेथड से परिभाषाएं याद करनी है जिससे कि अपने को क्या रहे आसानी है। तो जिस प्रकार अपन ने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया की, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के केवल एकल उत्पाद बनाते हैं उसे अपन ने कहा था संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अपन इस परिभाषा को इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद में बदलने के साथ उत्पाद के साथ क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा या हम ऊर्जा भी ले सकते हैं, ऊष्मा उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्मा शेपी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मा शेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये तो हमारी परिभाषा हो गई। परिभाषा क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ क्या उत्पन्न होने साथ में ऊष्मा या ऊर्जा भी उत्पन्न होती है उस अभिक्रिया को हम कहेंगे ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। देखो एक एग्जांपल से पढ़ते हैं कि पहले जो अपन एग्जांपल पढ़ाए वो है प्राकृतिक गैस का दहन। उदाहरण ले रहे हैं हम प्राकृतिक गैस का दहन। उदाहरण एक प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस कौन होती है? यहाँ पे आपको बता देते हैं हम, प्राकृतिक गैस जो है वो है मीथेन गैस। मीथेन गैस है जिसकी अवस्था अपन क्या लिखेंगे? जी। मीथेन गैस का दहन, दहन हमेशा किसकी उपस्थिति में होता है? वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति में। बिल्कुल सही, यहाँ पे ऑक्सीजन जीवित गैस है जिसको जी से पति लिखेंगे ऑक्सीजन। दोनों अभिकारक मिल गए, एक तो प्राकृतिक गैस और एक ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है? अभिकारक हैं। ये दोनों अभिक्रिया करने के बाद निशान के स्तर क्या बनेंगे? उत्पाद। इसमें उत्पाद के साथ क्या उत्पन्न होगी? ऊष्मा भी। तो उत्पाद क्या बनेंगे पहले तो हम देखते हैं। देखो एक तो बनेगा CO2, एक बनेगा H2O,
सात्विकता उत्पन्न होगी ऊष्मा या इसको ऊर्जा भी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो देखेंगे इसका सिंबल है, ये जलवाष्प है, जलवाष्प, जलवाष्प का सिंबल भी क्या होता है जी, और ये क्या है ऊष्मा है। तो पता चल गया ना इस अभिक्रिया में क्या है उत्पाद, उत्पाद यहाँ पे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जलवाष्प, अर्थात जल का एक फॉर्मूला यहाँ पे, इसके साथ क्या उत्पन्न हो रही है ऊष्मा। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया कहते हैं, ये संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आने वाली अभिक्रिया है। एक और एग्जाम्पल है कि जो श्वसन क्रिया होती है हमारे अंदर, श्वसन क्रिया वो भी एक प्रकार की क्या है ऊष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया है। आपको बताया हम श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम रिलाइज करते हैं, तो उस समय हमारे नाक के पास अगर हम उंगली रखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, वो थोड़ी गर्म होती है, और साथ ही साथ जब हम भोजन करते हैं श्वसन करते हैं तो अपन को क्या मिलती है एनर्जी या ऊर्जा, तो ये भी एक प्रकार की क्या उत्पन्न हो गई है साथ में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ये भी एक प्रकार की गैसीय अभिक्रिया है ऊष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया। तो श्वसन भी एक प्रकार की हाँ कैसे अभिक्रिया है ऊष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया है। तो दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम उदाहरण संख्या दो, उदाहरण संख्या दो है क्या श्वसन, श्वसन भी ऊष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया है। कैसे करें कि श्वसन जब हम भोजन करते हैं खाद्य पदार्थ के रूप में यहाँ पे ग्लूकोज होगा, और हम किसका उपयोग करते हैं श्वसन में ऑक्सीजन गैस का, ठीक है, ये मानव में श्वसन की अभिक्रिया भी है, मानव कौन सी गैस रिलाइज करते हैं आपको बताया श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कुछ मात्रा में जलवाष्प की हानि होती है और साथ ही साथ अपने ऊर्जा मिलती है ऊष्मा या ऊर्जा, तो ये भी एक प्रकार की ऊष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया है। आप देखते हैं कि मानव में श्वसन क्या करते हैं, मानव इंग्लिश में कला में एक साथ देखते हैं श्वसन, मानव में श्वसन की अभिक्रिया आज आप इस अभिक्रिया को संतुलित करना भी सीखिए, क्योंकि जब अभिक्रिया संतुलित नहीं होती है तो अपने कहा था वो कंकाली समीकरण होती है, कंकाली समीकरण को अपने को संतुलित करना जरूरी होता है। तो अभिक्रिया को संतुलित करना अगर आपको आता है तो ठीक है, वापस हम बता रहे हैं क्योंकि अभिक्रिया संतुलित करना अपन ने पहले वाले पूर्व के वीडियो में पढ़ लिया है। देखिए अब अगर हम तुलना करते हैं क्रियाकारक और उत्पाद में और अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो देखिए किस प्रकार से हम अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कार्बन से, देखो अभिकारक में या क्रियाकारक में कार्बन कितना है छः, इधर उत्पाद में हमारे पास कार्बन कितना है एक ही, तो इस कार्बन को भी छः करने के लिए क्या करेंगे हाँ गुणांक के रूप में गुणांक लगा देंगे हम छः, तो हमारे पास कार्बन कितना हो गया छः। अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो गए बारह, उधर ऑक्सीजन कितने हैं छः और दो आठ ये, तो इस ऑक्सीजन को भी अपने को क्या करना है बारह करना है, तो इसके आगे अपन कितना लगा देते हैं देखिए गर्भियाँ तीन लगा दें तो लोग अच्छे अच्छे बाहर हो जाएगा, क्योंकि इधर एक ऑक्सीजन ज़्यादा है यहाँ पे अपन छः नहीं लगाएंगे। अब देखिए और आगे हम क्या कर सकते हैं कि अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए अपने को दोनों तरफ देखना होता है, तो अब देखिए यहाँ अगर अपन लगाते हैं छः इस अभिक्रिया में चलिए बारह और छः कितने हो जाएंगे अठारह। अब देखिए इधर भी अपन लगा देते हैं हाइड्रोजन के आगे भी सॉरी जल के अणु के आगे भी छः, तो कितने हो जाएंगे चलिए बारह, देखो अब हाइड्रोजन कितने हैं चौदह बारह इधर भी बारह है, ऑक्सीजन इधर कितने हैं चौदह बारह और छः अट्ठारह, इधर देखिए चौदह बारह और छः अट्ठारह अभिक्रिया संतुलित हो गई है, तो ये एक संतुलित अभिक्रिया है। तो श्वसन भी एक प्रकार की उसमें क्षेत्रीय अभिक्रिया है, और अगर अपनी अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो उसको अपने को अनुमान विधि के द्वारा संतुलित करते हैं, ये अभिक्रिया क्या हो गई है संतुलित अभिक्रिया हो गई है। इस प्रकार एक और साग सब्जियों का जो अपघटन होता है सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं इनका अपघटन होता है उस समय भी वर्मी कंपोस्ट जो खाद बनती है उस समय भी उसमें उत्पन्न होते हैं, तो साग सब्जियों का अपघटन भी एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है उसमें क्षेत्रीय अभिक्रिया है। तीसरा उदाहरण हो जाएगा साग सब्जियां
का अपघटन अपघटन से कंपोस्ट खाद बनना, कंपोस्ट खाद बनना भी ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया है। तो इस प्रकार से अपन ये ऊष्मा क्षेपीय विक्रियाओं के उदाहरण पढ़े हैं। संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत ही एक और अभिक्रिया है, कौन सी? ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया। तो अभी हम पढ़ेंगे दूसरे प्रकार की अभिक्रिया, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया इसकी परिभाषा भी हम उस प्रकार से ही पढ़ेंगे। किस प्रकार से? जिस प्रकार से अपन ने ऊष्मा क्षेपी की पढ़ी है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अर्थात ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। और ऊष्मा का जिसमें अवशोषण होता है वह ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया होती है। कहते हैं परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है, उसे ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया कहते हैं, शोषी अभिक्रिया करते हैं। तो ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया के भी उदाहरण पढ़ लेते हैं हम कि किस प्रकार से ऊष्मा शोषीय अभिक्रियाएं होती हैं। तो जो ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया है उसका एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया, परिभाषा समझ में आ गई कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या उत्पाद निर्माण के साथ क्या होती है? ऊष्मा का अवशोषण होता है। या हम कह सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, उसे हम कहेंगे ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया। उदाहरण लेते हैं, उदाहरण एक, हम जब नाइट्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है या नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। ये अभिक्रिया भी ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया का उदाहरण है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड या इसको हम बोलेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब देखिए इस अभिक्रिया को भी अपन ने संतुलित कर दिया है। क्रियाकारक और क्रियाफल में अगर हम देखते हैं नाइट्रोजन के परमाणु उधर दो हैं इधर एक ही थे, तो अपने इसके आगे दो लगा दिया है। ऐसे ऑक्सीजन के परमाणु इधर दो हैं इधर एक ही थे, तो इसके आगे अपन ने गुणांक के रूप में गुणांक दो लगा कर क्या कर दिया है? संतुलित कर दिया है। ऐसी एक और अभिक्रिया है जो अपनी क्रियाकलाप के आधार पर आई हुई है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेना अपने को? बेरियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा उदाहरण है बेरियम हाइड्रोक्साइड बी ए ओ एच का होल ट्वाइस की अभिक्रिया करानी है अपने को। किसके साथ? अमोनियम क्लोराइड के साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो क्या बनते हैं हमारे अभिक्रिया और किस प्रकार से उत्पाद बनते हैं, इसमें ऊष्मा का क्या होता है? तो देखिए हमारे को सबको पता है कि बेरियम प्लस टू होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड माइनस होता है, पता है। तो इधर हमारा अमोनियम होता है वो प्लस होता है और सी एल क्या होता है? माइनस। तो अपने जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा बी ए सी एल टू और साथ में क्या बनेगा? एन एस फॉर ओ एन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम क्लोराइड बनते हैं। कहा यहाँ घोल लीजिए, तो घोल जो होते हैं वो एक पास होते हैं जल विलयन, यहाँ पे भी एक पास होता है, ये जो होता है सॉलिड हो जाता है और ये वापस एक पास होता है। ये साइन अपने को याद करने के लिए लिखना है, यहाँ पे इसलिए आपको माइनस रखना है।
तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनना और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनना, साथ ही साथ दूसरी अभिक्रिया बेरियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया अगर हम अमोनियम के अमोनियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं, इसमें भी ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। तो जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है वहाँ पे माइनस के तौर पर मिलेंगे ऊष्मा, मतलब ऊष्मा रियलाइज अंदर जा रही है, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, साथ साथ उसमें क्या होता है ऊष्मा अवशोषण होता है। ऐसे बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब जो ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो यहाँ पे हम माइनस के चिन्ह के तौर पर लिख देंगे, वहाँ पे अपन प्लस के चिन्ह के तौर पर रखा था उसमें सिर्फ में, यहाँ पे हम माइनस के तौर पर रखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।